जीएसटी लागू होने के बाद दवा कंपनी अब दवाइयों की कीमतें बदल सकते हैं। एनपीपीए ने दवाई कीमतों में बदलाव की इजाजत दे दी है। फिक्स रेट वाली दवाइयों की कीमत भी जीएसटी के बाद बदल ली जा सकती है। जीएसटी के बाद फिक्स रेट वाली दवाइयां 3% तक महंगी हो सकती हैं। जिन दवाओं पर सालाना 10% कीमत बढ़ोतरी की कैपिंग लगी हुई है, उन दवाओं का बोझ दवा कंपनियों पर पड़ेगा। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स ने सालाना 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की छूट नहीं दी है। कमोडिटी ऑप्शंस पर जल्द ही गाइडलाइंस जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमोडिटी ऑप्शन पर अगले हफ्ते से भी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। कमोडिटी एक्सचेंज को आवेदन करने की मंजूरी दी जाएगी, साथ ही ऑप्शन शुरू होने की तारीख का भी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जुलाई से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। ज़ी बिजनेस ने एक बार फिर कमोडिटी न्यूज चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर लिया है। मुंबई में एक समारोह में बीएससी और टेफला ने यह अवार्ड दिया। ज़ी बिजनेस की ओर से कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने अवार्ड हासिल किया। कमोडिटी मार्केट की शानदार कवरेज के लिए ज़ी बिजनेस को यह अवार्ड मिला है। अवार्ड समारोह में 300 से ज्यादा मार्केट के दिग्गज भी मौजूद थे। सम्मान के लिए ज़ी बिजनेस सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू सो मच और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि कमोडिटी मार्केट को बुलंदियों तक पहुँचाया जाए, और जिस तरह से आप लोग इंडस्ट्री को मिस करते हैं और इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन काम करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। SBI ने टेलीकॉम कंपनियों को कर्ज पर सख्ती से इंकार किया है। SBI के MD कॉरपोरेट बैंकिंग ग्रुप बी श्रीराम के मुताबिक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। श्रीराम ने कहा कि SBI ने किसी भी टेलीकॉम कंपनी के बिना इस्तेमाल हुए लेटर ऑफ क्रेडिट को रद्द नहीं किया है। श्रीराम के मुताबिक ऐसे फैसले किसी सेक्टर के आधार पर नहीं होते, बल्कि बैंक ऐसा फैसला जोखिम का आकलन कर उठाते हैं। We have not withdrawn any unutilized limit. As a matter of general practice or general banking soundness, we do review all the accounts irrespective of which sector it is, including telecom, and we try and say that in terms of saving or on capital, we do take a informed decision to try and use limits where it is required. Yep. And that is about all, and there is nothing else that has happened. SBI ने QIP के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। SBI का QIP कल यानी 8 जून को बंद हो चुका है। बैंक ने QIP के जरिए 287 करोड़ रुपए के भाव पर कुल 52,20,000 शेयर बेचे हैं। SBI इस रकम का इस्तेमाल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुधारने पर करेगा। इससे पहले भी SBI ने 2014 में QIP के जरिए 8,032 करोड़ रुपए जुटाए थे। India's largest ever QIP of over 15,000 crores. As you know, we launched it on the 5th of June and we closed it yesterday. The book was oversubscribed, demand exceeded 27,000 crores. Exceptionally strong demand from long-only FIIs that came in at over 8,000 crores. Overall FII demand was 11,000 crores. We also saw very strong demand from DIIs, amounting to 8,500 crores, excluding the one large DII. सरकार अगले साल तक एक और सरकारी बैंक के मर्जर को मंजूरी दे सकती है। FY18 में वित्त मंत्रालय ने एक और सरकारी बैंक के मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। इस साल भारतीय महिला बैंक समेत 5 सरकारी बैंकों का विलय SBI में हो चुका है। सरकार को सरकारी बैंकों के विलय से NPS से निपटने में आसानी होगी। सरकारी बैंकों का बैड लोन FY17 में 1,00,000 करोड़ से बढ़कर 6,00,000 करोड़ हो चुका है। पावर, स्टील, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा बैड लोन में इजाफा हुआ है। सरकारी बैंकों के NPA की क्या स्थिति है, डूबते कर्ज को बचाने के लिए बैंकों ने क्या कदम उठाए और भविष्य में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार यानी कि 12 जून को सभी सरकारी बैंकों के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे। इस बैठक में MSE क्रेडिट, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना को लेकर भी चर्चा होगी। इस बैठक में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू के अलावा बैंकों की बैलेंस शीट साफ करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा होगी, जिससे वो नए लोन दे सके। NPA रिकवरी के लिए टर्नअराउंड प्लान भी मांगा जाएगा। इस बैठक में फाइनेंशियल इंक्लूजन
एंड लिटरेसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी रिव्यू किया जाएगा। जीएसटी को लेकर बैंक्स कितना तैयार हैं, बैठक में इसका भी रिव्यू होगा। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की पार्लियामेंट्री पैनल के सामने 6 जुलाई को पेशी होगी। पैनल उर्जित पटेल से नोटबंदी के बाद जमा हुए कैश पर जानकारी मांगेगी। पीएससी जानना चाहती है कि नोटबंदी के बाद असल में कितना कैश बैंकों में जमा हुआ है, साथ ही डिजिटल इकोनॉमी पर भी चर्चा होगी। पीएससी ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के कई बड़े अधिकारियों को भी पेशी के लिए नोटिस भेजा है। वित्त मामलों की पीएससी ने चौथी पर उर्जित पटेल को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। इससे पहले 25 मई को पीएससी के सामने उर्जित पटेल पेश होने थे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की तैयारी की बात कहकर वो पेश नहीं हुए थे। हाल ही में दुनिया भर में हुए साइबर अटैक के बाद सरकार जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन को फुल फॉर्म साइबर सिक्योरिटी देने की तैयारी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सीईआरटी की डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी। कमेटी ने विदेशी एक्सपर्ट की सेवाएं देने और रिसर्च विंग बनाने की भी सिफारिश की है। रिसर्च विंग में साइबर एक्सपर्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट को हायर करने की सिफारिश की गई है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली में एक साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाने का सुझाव दिया गया है। आईटी एक्ट में संशोधन के लिए सरकार जल्द ही कैबिनेट नोट लाने की भी तैयारी कर रही है। साइबर सिक्योरिटी पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीईआरटी ने अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के साथ भी करार किया है। आपको बता दें कि बजट में भी वित्त मंत्री ने साइबर सिक्योरिटी पर जोर दिया था।